घटनाओं को छोड़ मूर्ति विसर्जन कार्य शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। पिछले साल कोरोना वायरस महामारी की भेंट चढ़ा दशहरा त्योहार इस बार देश के विभिन्न हिस्सों में धूमधाम से मनाया गया। विजयदशमी या दशहरा का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। जिले में विभिन्न स्थानों पर दशहरा उत्साह के साथ मनाया गया। इस बार निकली प्रतिमा विसर्जन जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हिस्सा बनी, जबकि जिले के कुछ हिस्सों में हिंसक झड़प होने की खबर है, जहां 4 पुलिसकर्मी आंशिक रूप से जख्मी हो गए। वहीं माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी में कुल 24 स्थानों पर माँ दुर्गा की पूजा किया गया। कोरोना प्रदूषण को देखते हुए इस बार मूर्ति का विसर्जन लखनदेई नदी में नहीं किया गया। सभी मूर्ति का शहर से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित यादव नगर वार्ड 2 में माइजी की पोखर में विसर्जन हुआ, जहां प्रशासन के कड़े इंतजाम के बीच संपन्न हुआ। जबकि शहर स्थित मां जानकी की मंदिर के प्रांगण में कर्तव्य कर रहे 2 गुटों में जमकर चले थप्पड़ लप्पर। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों को शांत किया। दशहरा का पर्व पूरा देश मना रहा है। पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। और बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे से जो है सारे मूर्ति का विसर्जन हुआ है। और हम जो है हर एक जगह पदाधिकारी इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।